हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा सातवीं पाठ आठ उद्यमी नर एक कविता है। उद्यमी अर्थात मेहनती, नर यानी इंसान। परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने श्रम की महत्वता को बताते हुए कहा है कि भाग्य और कर्म का विवाद पुराना है। इस कविता में कवि ने श्रम यानी मेहनत का जो वैल्यू है, उसका महत्व है, उसका बताते हुए क्या कहा है कि भाग्य और कर्म का विवाद पुराना है, दोनों की बहस पुरानी है। प्रकृति के भीतर जितनी भी धन संपदा छिपी है, उस पर सबसे पहला अधिक कठोर परिश्रम करने वाले का व्यक्ति का है। अधिक अर्थात अधिकार। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के भीतर जितनी भी धन संपदा छिपी है, उसमें सबसे पहले अधिकार उस व्यक्ति का है जिसने मेहनत से उन्हें पाया है या मेहनत से उन्हें हासिल किया है। इसके बाद परिश्रम करके ही मनोवांछित फल को प्राप्त किया जा सकता है, यानी आपके मन में जो इच्छा है, जो फल आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे सिर्फ हम मेहनत से ही पा सकते हैं। इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर। कहने का मतलब इतना सारा सब कुछ विभव यानी वैभव का जो कोष यानी खजाना प्रकृति के भीतर भरा हुआ है। निज इच्छित सुख भाग सहज ही पा सकते नारी नर। उसको पाने के लिए नारी और नर यानी मनुष्यों को यानी नर और मादा दोनों ही, चाहे वो नारी है चाहे वो पुरुष है, दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, अपनी इच्छानुसार जो सुख है उसका जो हिस्सा है यानी भाग है, सहज वो उसे पा सकते हैं। किस तरीके से पा सकते हैं? मेहनत करके। सब हो सकते तुष्ट एक सा, तुष्ट यानी संतुष्ट, सभी एक समान सेटिस्फाई हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, सब सुख पा सकते हैं, सभी सुख को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और अगर इंसान चाहे तो एक पल में ही धरती को क्या बना सकता है? स्वर्ग बना सकता है। छिपा दिए सब तत्व आवरण, आवरण यानी पर्दा होता है ना, पर्दा इस प्रकार से आवरण होता है। छिपा दिए सब तत्व आवरण, सारे तत्व या सारे आवरण छिपा दिए हैं के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। यानी प्रकृति ने या ईश्वर ने जो कुछ भी खजाना अपने ऊपर आवरण डाल करके या पर्दा डाल के छिपाया हुआ है, उसको मेहनती इंसान ने क्या किया है? खोज करके निकाल लिया है, उन सब की खोज कर ली है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, यानी ब्रह्मा से लिखित भाग्य इंसान नहीं लाया है, वो अपने आप भाग्य बना सकता है। फिर अगर प्राप्ति ना हो तो वो भाग्य की बात अलग है, लेकिन ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। यानी इंसान ने अपना सुख अपनी भुजाओं के बल से यानी अपने कर्मों से ही पाया है, अपनी मेहनत से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, यानी प्रकृति यानी नेचर डरकर कभी भी झुकती नहीं है, कभी भाग्य के बल से। यानी अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहें और ये सोचे कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो भाग्य के बल से प्रकृति झुकती नहीं है। तो प्रकृति को झुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। यानी प्रकृति मनुष्य के उद्यम यानी मेहनत और श्रम जल यानी पसीने से हारती है। इसके पश्चात ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्ध में प्राणी। यानी ब्रह्मा का जो लेख, जो ब्रह्मा ने लिखा हुआ है, उसे कौन पढ़ते उन्हें? निरुद्ध में, यानी जो मेहनत नहीं करना चाहते ऐसे इंसान सोचते हैं अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो निरुद्यमी जो इंसान होते यानी जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो भाग्य के बल पे रहते हैं। धोते वीर को अंक भाल का बहा ध्रुवों से पानी। और जो मेहनती इंसान होते हैं, ठीक है, जो मेहनती इंसान जो होते हैं, वो क्या करते हैं? कु अंक होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य को ख़त्म कर देते हैं। कैसे? अपने भ्रो होता है, आईब्रो होती है ना, आईब्रो आँख की जो ये भौं होती हैं, इनके ऊपर जो पानी है उन पसीने को बहा करके यानी कड़ी मेहनत करके वो अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का, भाग्य पे डिपेंड रहना वो एक पाप का आवरण यानी उसका पर्दा है। और शस्त्र शोषण का, और शस्त्र क्या है? वो शोषण, शस्त्र से किसी इंसान का शोषण होता है तो वो उसका आवरण है। जिसे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का, जिससे इंसान क्या करता है? शस्त्र को दिखा करके या हथियार को दिखा करके एक इंसान दूसरे इंसान का भाग्य दबा करके रखता है। पूछो किसी भाग्यवादी से,
भाग्य पर भरोसा करने वाले किसी इंसान से पूछो। क्या पूछो भाई? यदि अंक प्रबल है, यदि विधि अंक प्रबल है, अगर भाग्य ही प्रबल होता, पद पर क्यों न देती स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो धरती के अंदर खजा छिपाना, खजा छिपा हुआ जो खजाना है बेटा, वो अपने आप क्यों नहीं निकल जाता? उसे निकालने के लिए प्रयत्न क्यों करना पड़ता है? अगर भाग्य हमारा प्रबल है तो वो सोना वो चांदी जो खजाना धरती के अंदर है वो स्वयं अपने आप ही क्यों नहीं आ जाता? उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य केवल से। तो जो किसान है वो क्या करता है भाई, विभव यानी वैभव प्राप्त करने के लिए प्रकृति को सींचता है जल से, यानी दिन रात खेत में मेहनत करता है। अगर भाग्य का ही बल तेज होता तो वो सारा खजाना अपने भाग्य के बल से क्यों नहीं उठा लेता? ठीक है, वो मेहनत खेतों में क्यों करता है फिर? यानी हमें भाग्य बनाने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, एक इंसान पाप से अपना धन कमाता है और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, और दूसरा इंसान भाग्यवाद के छल से उसे लूट लेता है। नर समाज का भाग्य एक है, एक ही भाग्य है सभी का, वह श्रम वह भुजबल है, और वो भाग्य क्या है, हमारी अपनी मेहनत, हमारी अपने बाजुओं का बल। जिसके सम्मुख झुकी पृथ्वी विनित नभ तल है, जिसके सामने पृथ्वी भी झुक गई और पूरा आकाश भी झुका, यानी सब कुछ किसके सामने झुके भाई, हमारी मेहनत हमारे परिश्रम के सामने सभी झुके हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, और ऐसा परिश्रम का जिसने जल सींचा है या जल दिया है या फसल उगाई है या कड़ी मेहनत से किसी धन को पाया है तो पीछे मत रह जाने दो, तो उनके सम्मान को पीछे मत रह जाने दीजिए। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो, यानी जिस इंसान ने परिश्रम किया है, जिस किसान ने मेहनत की है, पहले उसे उसका सुख पाने दो। ये ना हो कि वो मेहनत करके लाए या कोई भी परिश्रम करे और हम बैठ करके उसका आनंद लें और उसको वो आनंद बाद में मिले, तो पहले उसे वो आनंद लेने दें, उसके पश्चात फिर हम इसे आनंद लें। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित एक कविता, बहुत सुंदर कविता, प्रेरणादायी रही, और इस कविता में हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। इस कविता की जो एक्सरसाइज अभ्यास कार्य है उसे हम अगली क्लास में करेंगे।